नमस्कार सभी को, मैं मत्थु केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा पांचवी विषय भाषा में देखिए समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का परिचय मैं कराने वाला हूं। तो देखिए, मैंने यहां समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का लेखन किया है और उसका वाचन मैं आपको इसमें करके बता रहा हूं कि किस तरह से समान उच्चारण वाले शब्दों का अर्थ जो है अलग अलग होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप समान उच्चारण वाले शब्दों का अर्थ किस तरह से अलग अलग होता है उसे समझिए, उसे पढ़िए और उसका वाचन करिए। लीजिए आप समुच्चारण भिन्नार्थक शब्दों का वाचन करिए। जैसे देखिए, पहला शब्द है द्वीप। द्वीप अर्थात टापू। द्वीप, द्वीप अर्थात हाथी होता है। सूची दूसरा शब्द है। देखिए सूची, सूची अर्थात विषय क्रम। और सूची, सूची अर्थात सुई होता है। देखिए अलग शब्द उच्चारण। आगे है देखिए बहु, बहु अर्थात पुत्र वधू। और दूसरा शब्द है बहु, बहु अर्थात अधिक या बहुत होता है। उसके बाद है देखिए सुत, सुत अर्थात पुत्र। सूत, सूत अर्थात धागा होता है। अगला शब्द है तनु, तनु अर्थात दुबला पतला। और तनु, तनु अर्थात पुत्र होता है। अगला शब्द है देखिए मणि, मणि अर्थात रत्न होता है। मणि, मणि बराबर सर्फ, मणि अर्थात सर्फ होता है। इसके बाद का शब्द है देखिए नित, नित अर्थात हर दिन। नीत, नीत अर्थात लाया हुआ। हल, हल अर्थात चिन्ह होता है। और देखिए अगला शब्द है हल अर्थात खेत जोतने का औजार। तो इस तरह से समुच्चारण वाले शब्दों का अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है। तो इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए जैसे हल, हल माने चिन्ह होता है और हल जो यह खेत जोतने का औजार भी होता है। अब अगला शब्द देखेंगे हम दिन, दिन अर्थात दिवस। दीन, दीन का अर्थ होता है गरीब। सुर, सुर अर्थात देवता। सूर, सूर माने अंधा होता है। पानी, पानी का अर्थ है जल। पानी, पानी का माने, पानी का अर्थ होता है हाथ। शीत, शीत अर्थात ठंडा। शीत, शीत माने दुर्बल होता है। धन, धन का, धन बराबर जोड़ होता है। और धन का अर्थ संपत्ति भी होती है। नाना, नाना अर्थात विविध। और दूसरा शब्द है ये भी नाना, नाना अर्थात माँ के पिताजी को भी नाना कहते हैं। माँ के पिताजी को भी नाना कहते हैं। अगला शब्द है देखिए उत्तर, उत्तर अर्थात एक दिशा। और उत्तर माने जवाब भी होता है। इसके बाद देखिए जैसे पानी, अब पानी अर्थात जल भी होता है और पानी का अर्थ चमक भी होती है। तो इस तरह से शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। फल, फल जैसे कोई एक फल, और फल का अर्थ परिणाम भी होता है। वार, वार माने दिन होता है और वार का अर्थ प्रहार भी होता है। सर, सर अर्थात तालाब होता है और सर का अर्थ सिर भी होता है। लक्ष्य, लक्ष्य माने निशाना होता है और लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य भी होता है। सुर, सुर माने स्वर भी होता है और सुर माने देवता भी होता है। हार, अगला शब्द है हार। हार माने, हार का अर्थ माला भी होता है और हार अर्थात पराजय होता है। तो इस तरह से आपने
इस वीडियो में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का परिचय मैंने आपको कराया, तो आप क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का वाचन करिए और उसका श्रवण करिए तथा उन शब्दों के अर्थों को समझिए। धन्यवाद सभी को।